तो दोस्तों अब जो है दूध निकलना शुरू होगा। ये देख सकते हैं ये कितनी बार की ब्याई है, 5 वर्ष के चार, बिल्कुल। दूध कितना है? दूध है जी इसमें करीब कोई 12 किलो। अच्छा 12 किलो, अच्छा जैसा छोटी भैंस है 12 किलो काफी है। तो लड़के हिसाब से तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल 15 किलो है। और यो वाली इसमें 14 किलो दूध है। अच्छा 14 किलो, 4 बार की 4-5 बार की होगी हाँ। और ये तो अपनी वही है पहले वाली, बिल्कुल हाँ, यो छोटी है और मेरी मेरी भी पसंदीदा भैंस यही है। दूध के टाइम पे हो जाए आरा लगा दिया, बिल्कुल। दोस्तों अभी करीब घंटे 1.5 घंटे बाद दूध निकलेगा इसका, बहुत ही बढ़िया है। छोटा छोटा ना, छोटा साइज है ना बड़ा है, और बाकी दूध के मामले में बढ़िया है क्योंकि जड़ इसकी बढ़िया है, जड़ तो बहुत ही। और ये वाली जिसके लंबे थड़े बराबर में, अच्छा, और वो तो की है। अच्छा अच्छा की घर की हाँ हाँ, उसका एक सींग उतर गया, एक उतरने वाला है। हाँ हाँ हाँ। और दोस्तों ये देख सकते हैं जी, और ये जुटिया, ये जुटिया आपके लाए थे। अच्छा दूसरे एक महीने करीब की अपन होगी। अच्छा इसमें, अच्छा एक महीने की जो है क्या अपन पास होगी? पास नहीं होगी। अच्छा पास नहीं करी नहीं हुई ना अभी तो। हाँ हाँ सही पास सही तो हुई नहीं, बिल्कुल। जब से कुछ गेरा गारा तो है ना इन्हें, बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाली या भी ब्याई हुई जी करीब 3-3.5 महीने की, 4 महीने करीब भी ब्याई हो लिया। अच्छा यो कितना दूध है? 17 किलो दूध है, 22 किलो दूध था। अच्छा बढ़िया। और ये तो बड़ी झुकी आई अपनी बड़ी भैंस की। अच्छा बड़ी भैंस की। और इसने मतलब ये एक बार ब्याली, दो बार ब्याली तो कितना दूध बनाया? इन्हें पहलवान ने तो दिया था 18-19 किलो, अब दिया 22 किलो, 22 किलो दूध। हाँ साइज भी बहुत है, साइज है, नस्ल बहुत बढ़िया है इसकी। अब गबन होने में लेट कर गया, वो हुई हुई तो है, बिल्कुल। नहीं वो तो यू है, ज्यादा दूध देने वाले पशु में थोड़ा कमी आ जाती है, रिकवर होने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा उस बात का भी। दोस्तों ये झुटिया है, देख सकते हैं आप, वो जो बाहर छोटा बच्चा दिखाया था उसकी माँ है। कितना दूध बनाया जी इसने फिर? 15 लीटर। अच्छा 15 लीटर दूध, 15 लीटर आज की तारीख में पी जा रहे हैं मौके पर, बिल्कुल। दोस्तों छटा वटा करके फिट है, और लगभग इसे ब्याह हुआ कितना टाइम हो गया होगा जो एक अंदाजा है? 40 दिन की होगी, देख लो 14 तारीख को 1 महीने की होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाली? ये वाली भी करीब कोई 20-25 दिन की ब्याह हुई होगी। दोस्तों इस भैंस की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, इस भैंस को इन्होंने कई बार देख के छोड़ दिया था सिंगों की वजह से और ऊपर की जो हड्डियों की बनावट की वजह से। लेकिन जब इन्होंने इस भैंस का दूध देखा, देखो इसकी जड़ देखो, इसकी जो जड़ है कंपटीशन वाली है, लगभग कितनी बार ब्याली होगी? हो भाई बता दे, 3 महीने के दे में। हाँ चार वर्ष कम तो हो जी, कोई दिक्कत नहीं, भैंस के शरीर में दम बहुत है, सबसे बड़ी बात है जड़ बहुत है, दूध बहुत है, सोनी जड़ है, थन बहुत बड़े बड़े हैं, तो 16-17 दे जा, लंबे टाइम लो, लंबे टाइम तक। और वैसे भी बिल्कुल सही बात है, भलापन भी है भैंस के अंदर। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे इसकी शारीरिक बनावट जो है थोड़ी सी अजीब है और सींग थोड़े से इसके भैंस से टाइप है, एक बात यार खाऊ बहुत है, खाऊ भैंस है, आते साथ ही गाड़ी में उतरी खाने पे लगी। अच्छा कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं खाने पे, कुछ लगी नहीं। तो वही तो बात है कि आप इसकी ऊपरी बनावट देख के आप इसे जज कर रहे थे, लेकिन इसने खाने के और दूध के मामले में भैंसों को फेल कर दिया। तो यही है कि सोनेपन के पीछे नहीं भगना चाहिए। और दोस्तों काफी अच्छी झुटिया है ये इनकी, यह तीसरे है दोस्तों, देख सकते हैं सींग बहुत ही बढ़िया है इसके। और इसकी जो कटिया है ये सामने बंद रही है, ये इन्होंने चूज कर रखी है दोस्तों। और ये लगभग कितना दूध बना रही होगी? दूध होगा तो 14-15 किलो से ऊपर ऊपर है, बिल्कुल है जी, नापा तो है नहीं 15 किलो। दोस्तों थनों की बनावट बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही बढ़िया। जैसी भैंस किसान भाई ढूंढते हैं ये भैंस हम कह सकते हैं, जैसी वो झुटिया है उधर वे दोनों, ये वाली और ये भी अभी दिखाऊंगा आपको। ये भैंस जो है मुझे नई झुटिया और काफी दमखम की चौड़ी, लंबी चौड़ी ऊंची, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सींग जो है इतनी अच्छी बनावट ले रहे हैं, पतले सींग है और थन भी बिल्कुल इतने बढ़िया है दोस्तों, बढ़िया। और देख सकते हैं आप पैरों की जो बनावट है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर, आगे से पीछे तक फोकस्ड है बिल्कुल। और दोस्तों ये वाली जो आप देख रहे हैं काफी अच्छे दूध की लग रही है, 15-17 कितने बार की ब्याई होगी? 4 वर्ष से कम की नहीं होगी, बिल्कुल। और दोस्तों देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी तारीफ ये है, देख सकते हैं इसकी जड़ सबसे फर्स्ट क्लास है, और ये गर्म मिजाज भी इसके बहुत है। देखो पुट्ठा भी बिल्कुल कटवाला है, ये देख सकते हैं बिल्कुल बनावट आगे से पीछे तक लंबे पुट्ठे की है, और पुट्ठे से ही भैंस दूध बनाती है, जड़ भी पुट्ठे से ही है, जितना बड़ा पुट्ठा होगा उतनी बड़ी जड़। और दोस्तों फुर्ती बहुत है भैंस के अंदर, और आगे से पीछे तक बहुत ही बेहतरीन भैंस की बनावट है। लेकिन वही बात है, ये
ऐसे जगह रही हुई है ज्यादातर कि इसे जो है लाइट अंदर ही रही ज्यादातर, थोड़ा धूप ही से यही आके मिल रही है। यहाँ भी धूप ना, यहाँ भी अंदर कोई नहीं, फिर भी यहाँ काफी खुला पड़ा है, देख सकते हैं आप, जड़ बहुत है। फर्क पड़ गया। अच्छा, इसकी धार कैसी है? धार फोकी, मोटी धार। अच्छा, बढ़िया बढ़िया धार है। दुहाव की तो ज्यादा करके सारी भैंस ही बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, जो अच्छे दूध का नहीं होगा उसका तो मतलब ही कुछ ही नहीं है यहाँ रहने का। बारी बारी ऐसी हो, दूध की तो बढ़िया हो पर धार बहुत कैडी हो। धार कैडी हो तो वो तो अलग ही दिख जानी, चलो लोटा सा दिखाई दे जाओ उसमें। बड़ी ठंड भी तो हमारे आपका पहलवान झूठी आती है। अच्छा, घर की वह गैप बन नहीं रुकी जी, वो हमने दे दी। वो जो ले गया था उन्होंने कहा भाई कौन दूध काट था उसके, बिल्कुल लोहे के हाथ थे क्या? अच्छा, मतलब बिल्कुल धार ही नहीं लगी इसकी। अच्छा, ठंड पतले थे लेकिन धार कैडी थी। हाँ, धार बहुत कैडी थी। बिल्कुल बिल्कुल। यो कितने दिन की गैप बना रही बचिया? 5 महीने की आ रही जी। काफी बड़ा साइज है इसका तो। दो दांत है अभी। अच्छा, पहलवानी भी आएगी? पहलवानी भी। चलो दोस्तों, देख सकते हैं कितने बड़े साइज की ओसर है और ये 5 महीने की गैप बना रही है। दोस्तों, जड़ बहुत अच्छी तरह से जड़ खोल कर आ रही है। और फिर इस तरफ ये हैं साहिवाल परिवार जो है। हाँ, ये छोटे वाली भी गैप बना रही है या नहीं जी? अभी हुई हुई है या अभी पता नहीं पास? अच्छा, अभी पास का पता नहीं। और ये या 5-6 महीने की गैप बना रही? अच्छा, 6 महीने की। 5 महीने वो 6 महीने की या 5? और दोस्तों, ये दोनों भैंस भी जो है दोनों 42 हैं। चल खड़ी हो, आराम से आराम से। तो देख सकते हैं आप, ये काफी देर से खड़ी कर रखी थी हमने। ये लगभग कितने कितने दिन की ब्याई हो रही होंगी? 5-4 दिन है या उससे 1 दिन पहले ब्याई थी। अच्छा, 5 दिन। दोस्तों, ये दोनों अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ भैंस हैं। ये देख सकते हैं, इसका तो आपको पता ही होगा, ये तोड़ी ना लंबाई ऊंचाई में महाबली कह सकते हैं इसे। और दूध का भी आपको इसका पहले हमने जिक्र करा था, काफी लगभग जैसे मतलब भी वो करें कि खुआने का भी अंत कर दें और बिल्कुल बेहोश ही हो जाए डंगर के पीछे, तो कितना दूध बना देगी? 24 किलो दूध बनाया जिन्ना। 24 बना दे। बना दिया। और मतलब 24 में से कोई दिक्कत नहीं दे हो जाओ? दे हो जाए इतना, 5-6 महीने लोग को तो लगातार बंद के दूध दे। बंद के दूध दे और लवारा भी छका रहे। 7-8 महीने तो भाग आया। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इसके पास में खड़े हो दोस्तों, मैं थोड़ा दूर जाकर दिखाता हूँ भैंस का क्या साइज है इसका। जैसे वो फुटो में चौड़ाई नापते हैं ना भैंस की, ये भी इसके पास में बन रही। ये भी बहुत बड़ी भैंस है, बड़ी भैंस है, लेकिन इसके आगे ये भी छोटी लग रही है। देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ी भैंस है, बहुत ही बेहतरीन। आ जाओ दूसरी वाली के पास आ जाओ। हाँ, दूध दे रही है अभी करीब 7 किलो दूध है। अच्छा, 7 किलो है। गैपबन कितने दिन की आ रही है? 5 महीने की, 6 महीने में लग रही है मुझे लग रहा है। 6 महीने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे अलग ही रखना पड़ा है सब पशु से? पक्के पहन देते ही। बिल्कुल दोस्तों, कुछ पशु ऐसे आ जाते हैं, ये बात बहुत समझने की है कि कुछ भाई हमारे भैंस लाए और भैंस आगे नहीं चली या उन्हें परेशानी हो रही है, तो दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भैंस पहले झोड़ में जाती थी, पेड़ के नीचे रहती थी, या भैंस कच्चे में रहती थी, या गद्दों पर रहती थी, या पक्के में रहती थी। ये आपको उसके पशु के व्यवहार से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप ठीए से भैंस ला रहे हो, उन्हें कुछ नहीं पता होता, ना वे आपको कुछ बताते। आप कहाँ रख रहे हैं पता लगा, भैंस दिन में 2 बार झोड़ में जाती थी। 2 बार? हाँ, है ना। तो जो 2 बार खोले खुले नहीं भाई, वे मेहनत करते हैं अपने हिसाब से, उनके वहाँ कच्चा है। तो दोस्तों, आपको जो है उस बात की बहुत ज़्यादा गौर करनी पड़ेगी कि हमारा पशु दूध पर क्यों नहीं चल रहा, या वो न्यार जो है भरपूर क्यों नहीं खा रहा। तो जैसा उसका टाइम था वहाँ, उसी हिसाब से टाइम आपको मिलाना पड़ेगा। दूध उन्होंने 20-22 किलो दूध बताया था। बिल्कुल, हमारा 14-15 से ऊपर चली नहीं। चली नहीं, और पक्के का मान करा बहुत ज्यादा। नहीं, भीतर बंदी रही, इतने चली नहीं। हाँ बिल्कुल, वही 20-22 किलो दूध दिया। अच्छा, मतलब यहाँ ले आए फिर इसे? तो दोस्तों देख सकते हैं, भाई ने बताया कि जैसे उधर पक्के में रहती थी, शेड के अंदर रहती थी, वहाँ भी ऐसी बात नहीं है, सफाई रहती है, खूब बढ़िया छाँव है, लेकिन पक्के में रहने की वजह से भैंस आधे दूध पे आ गई और फिर इधर आई कच्चे में, कच्ची खोर पे, और यहाँ बनती है कच्ची जगह में, देख सकते हैं आप। तो भैंस जो है अपने दोबारा पीक पे चली गई और भैंस को आराम भी मिला, जुगाली बराबर करती है। वैसे काफ़ी गर्म मिजाज की भैंस है और जड़ वड़ भी बहुत है इसके नीचे। और अब ये कितने महीने की आ रही थी क्या? 4-6 महीने की। 6 महीने की हो रही है, दूध दे रही है, 7 किलो दूध दे रही है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पशु है, लेकिन देखो मालिकों ने इसके लिए भी अरेंजमेंट अलग से कर रखा है कि 3-4 पशुओं की खोर, करीब 10 पशुओं की खोर अलग ही कच्चे में है और यहाँ है, और जो अपनी गऊ माता है वो भी कच्चे में ही रहती हैं, और जो लगातार मिल्किंग में है, प्रैक्टिस में, वो अपना उधर पक्के में रहती हैं, जो रह सकती हैं, यानी बाकी जो कच्चे का मान करते हैं पशु, वो कच्चे में ही रखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो पशु आगे चलेंगे नहीं दूध पे। दोस्तों अब थोड़ा गायों का देख लेते हैं। यो कितने दिन की ब्याई होगी जी? 3 दिन की हो रही थी। अच्छा, 3 दिन की। क्या क्या लवारा नीचे? बछड़ा बछड़ा भी अच्छा लग रहा जी, ये तो
साहिवाल से का भी छुड़वा। हाँ 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 थोड़ा मिक्स हो गया, बचिया हो जाती तो और थोड़ी सी इसकी। हाँ टाट भी है, ऊंचाई बहुत है बिल्कुल। दोस्तों देख सकते हैं पहलवान बछिया है, और लगभग इसका क्या अंदाजा कर रहे हैं, जैसे नस्ल की तो काफी अच्छी है। दूध दे ही देना चाहिए 15-16 किलो, तो 15-16 किलो ज्यादा भी दे सके, ज्यादा भी पता कुछ नहीं दोस्तों, इनका पता कुछ नहीं होता। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है बहुत ज्यादा दूध देती हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया में पहले दूध की कमी थी बहुत ज्यादा, और फिर जब से ये गाय आई तो काफी दूध का उत्पादन हुआ। खैर गुणवत्ता के मामले में तो हम देसी जो गाय हमारी उन्हें ही ज्यादा नंबर देंगे, क्योंकि उनका एक अलग ही स्थान है, और सबसे बड़ी बात है उनमें गोबर में, उनके पेशाब में जो उनका ऊपर हाथ फेराना, जो उनका दूध है वो एक अलग ही एक दैवीय शक्ति है, उसके अंदर एक औषधीय गुण है। लेकिन दोस्तों जैसे दूध के मामले में आजकल चलता है कि ज़्यादा दूध चाहिए, या दूध की डिमांड ज़्यादा है, या कहीं आपको दूध देना है या दूध का व्यापार करना है, तो इनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। ये एक सच भी है, मजबूरी तो है ही है, सच भी है कि ब्लैक एंड वाइट जो गायें हैं या जो जर्सी गायें हैं वो ही आपका पोत पूरा पाड़ती हैं, नहीं तो बाकी और जो पशु हैं कम दूध के उनसे आपका काम नहीं चल सकता। ये अभी आ गई 15 दिन में। अच्छा यो 15 दिन में भी आएगी, यो कितनी बार की ब्याई हो रही होगी? चौथे बार। कितना दूध बना दे? 14-15 किलो बना दे। अच्छा आपसे गई थी यहाँ से? बहुत बहुत बढ़िया जी। अच्छा ये किस किस पोजिशन में है? या तो दोनों या गैपन हो रही है, तो बाखड़ी हो रही, इसकी बच्चा मरी गई थी अब क्या? हाँ जी, या करीब को 2 महीने करीब या गैपन है। अच्छा और वो वाली? वो अभी फिर दोबारा हुई है। अच्छा दोबारा करवाइए, बच्चा अभी 1 महीने की वाली। चल हटो, क्या मट्टो? दोस्तों ये जो मट्टो है ये तो काफी लाडली बच्चिया है, और काफी इसे प्यार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खैर ऊपर वाले से यही प्रे करूंगा कि जैसी इसकी बनावट है शरीर की, यो बछड़ा ही दे, बछड़ा ही दे, है ना भाई। ऐसी गाय से तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं, उस सर से बचिया से, जैसे इसके पैरों की बनावट, शरीर है इसका जितना सोना पड़ इसमें है, कि भाई जो बच्चा होगा तो वो भी सुंदर ही होगा। और भाई बछड़ा दे यार, किसी हमसीवाड़ का भला हो जा, है नी। और दोस्तों इसके बराबर में फिर ये बंदरी है, ये भी काफी अच्छी हुश बछिया है। ये पहलवान है या जी? नहीं इसका तो फिर दूध बनाया इसने? अच्छा जी बहुत बढ़िया, वैसे भली है बिल्कुल। आराम से आराम से। ओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सीधा। हाँ हाँ ना, कुछ मेरी वजह से भी कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और फिर ये है थोड़ा सा इसमें कुछ साहिवाल मिक्स। अच्छा इसकी माँ जो उधर है साहिवाल है दोस्तों, जो चेहरा है इसका और जो इसका ऊपर का जो कलर है वो तो थार पारकर है, और थोड़ी इसकी स्किन भी मोटी है, और चेहरे की जो बनावट आगे से वो साहिवाल की तरह है, और गलकंबल भी काफ़ी है। और दोस्तों फिर ये कटड़ा हो रहा है इनके पास में, देख सकते हैं कैसा चंट है, बहुत बारीक है, और काफ़ी दोस्तों लवारे। देखो सूम, देखो कितने पक्के सूम है इसके। और ये दूसरी जूटिया है वो? हाँ या दूसरी, या बीमार हो गई थी। अच्छा चल खड़ी हुई है, कोई ना बैठी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोबारा 5-6 किलो दूध पाई। दोस्तों हो जाता है बिल्कुल बाहर से आके। और ये वाली ये करीब 1 महीने की ब्याई हो रही है। अच्छा 1 महीने की ब्याई हो रही है। अच्छा दूसरे की साइज बहुत है बिल्कुल, देख सकते हैं आप दोस्तों, काफी अच्छे अच्छे दूध की है। पर ये बराबर वाली या तो है, इसमें तो 6 महीने की लवारा गिर दिया। अच्छा हाँ, अब के वैसे पशुओं में काफी बिगाड़ आया। हाँ जी, दो ना हमारी ना, दो ना लवारा गिर। बिल्कुल दोस्तों अब इस बार गर्मी का और बारिश का तालमेल नहीं बैठ पा रहा, ऊपर वाले कल से थने लगे इसके, ऊपर वाले ने थोड़ा सा कैडी नजर है, दिक्कत हो रही है मौसम में, मौसम में दिक्कत है बहुत ज्यादा। ये पेट में जावे है नहीं कुछ? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है, माल कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आपने अरुण भाई के पशु देखे, और जिन भाइयों को झोटी या भैंस लेनी हो या भैंस के लिए भी संपर्क करना हो, भाई के नंबर पर कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए।